बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन गुड़ के हलवा। तो यहाँ पे हमने लिया है एक कप बेसन, एक कप गुड़, यहाँ पे कुछ हमने लिया है ड्राई फ्रूट, पिस्ता एक टेबल स्पून, दो टेबल स्पून काजू, दो टेबल स्पून है ये बादाम, एक टेबल स्पून है मगज, यहाँ पर हमने लिया है मखाने थोड़े से, और ये है दो टेबल स्पून सूजी यानी रवा, और आधा कप है दूध, और यहाँ पे है देसी घी। सबसे पहले मैं गुड़ को पका लेती हूँ। मैंने गुड़ को एक पतीली में डाल दिया है फ्राई पैन में, और गुड़ में डाल दूंगी डेढ़ कप पानी, जिस कप से हमने गुड़ लिया है उसी कप से डेढ़ कप पानी। यहाँ पे देखिए गुड़ को मैंने गला लिया है, थोड़ा सा भी बचा है तो उसको भी अच्छे से गला लूँगी। इसका सीढ़ा मतलब इससे बना लेना, बस पका लेना है, खाली गुड़ गल जाए। हाँ, गुड़ में एक उबाल आ चुका है सीढ़ा में, तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और गुड़ भी मेरा अच्छे से गल चुका है। तब मैं यहाँ पे कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई में डालूंगी आधा कप घी, तो लेकिन पूरा नहीं डालूंगी मैं, दो तीन बार में डालूंगी। मैंने आधा कप में से आधा डाल दिया है। अब इसके साथ डाल दूंगी बेसन, एक कप बेसन, दो टेबल स्पून सूजी, इससे ना अपना हलवा जो है दानादार बनेगा। तो इसको अच्छे से भुनाई कर लूंगी, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए एकदम बिल्कुल पतला हो गया ना घी, जो है पूरा भी छोड़ रहा है ये। तब इसको इसमें हम 6-7 मिनट अच्छे से भुनाई करेंगे, बिल्कुल ब्राउन जब हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए मेरे बेसन और रवा मसाले से भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है, तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी, एक साथ नहीं डालूंगी, नहीं तो इसका टेक्सचर खराब जाएगा और ये जो है दानेदार फिर नहीं बनेंगे, फिर आपने कहेंगे कि हम बताया ही नहीं। तो इस तरह से हम इसको भूंजेंगे। ये देखिए ना, आपको मैं दिखा भी रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको शुरू से आखिर तक ही पकाना है। ठीक है, अब इसको मैं भून लेती हूँ, फिर वापस से मैं थोड़ा दूध डालूंगी और फिर इसको पकाऊंगी। इसी तरह से 3-4 बार ये दूध जाएगा, आधा कप दूध होके। यहाँ पे देखिए आखिरी बार है, चौथी बार मेरा दूध है जो इसमें बचा हुआ वो भी पूरा डाल दिया मैंने। अब इसको मैं अच्छे से भून लूंगी, पका लूंगी। ये दूध डालने से ना आपको खोवा का टेस्ट आएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। और इसको इस तरह से आपको भूनना पड़ेगा, दूध में भी हम 5-6 मिनट भून लेती हूँ लो फ्लेम। यहाँ पे देखिए 5-6 मिनट हो गया है इसको भूनते हुए। तो अब मैं इसमें जो गुड़ का सीढ़ा हमने बनाया था पका के रखा है, तो वो भी हम थोड़ा ही थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ सब नहीं डालेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और पकाते रहेंगे, 5-6 बार ये भी जाएगा। डेढ़ कप है के आसपास है ये हमारा सीढ़ा, तो मैं इसको इसे ही पका पका के 5-6 बार में डालेंगे। तो यहाँ हमने 4 बार गुड़ का सीरा डाला है, अब लास्ट बचा है ये भी डाल दूंगी, और इसके साथ चला जाएगा ये मेरे पास है इलायची पाउडर। तो इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून घी डाला और इसके साथ मगज, काजू, बादाम, पिस्ता, ये सारी चीजें डाल दिए हैं। अब इसके साथ डाल दूंगी यहाँ पे मखाने, अब इनको रोस्ट कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी चीजों को रोस्ट कर लिया है। यहाँ से हमने 1 टेबल स्पून ये निकाली है ऊपर से गार्निश करने के लिए। अब इसमें डाल दूंगी हलवे में, और इसको 1-2 मिनट के लिए पका लूंगी वापस, और बाकी मेरा हलवा फिर इंशाल्लाह तैयार हो गया। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर लिया करें, और दुआ में याद रखा करें। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए तो खाने को मिल जाएगा आपको, जल्दी से प्लीज प्लीज जल्दी से करिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 टेबल स्पून घी वापस से डाल दिया, और अब इसको मैं जो है एक साथ मिला लूंगी। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट, मीठा जितना आपको मीठा चाहिए उतना आप रख सकती हैं कम ज्यादा, और दूध भी आप कम ज्यादा कर सकती हैं, ज्यादा भी डाल सकती हैं और कम भी। तो चलिए इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इसका लुक देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा लुक आया, बहुत यम्मी बहुत टेस्टी बना हुआ है ये बेसन के हलवा, बेसन एंड गुड़ का हलवा है ना, अपने शक्कर वक्कर बिल्कुल यूज़ नहीं किया, तो बहुत टेस्टी बना है। थोड़ा सा आपको चेक करके बताती हूँ खा के, आप ड्राई फ्रूट अपने पसंद के कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा भी परफेक्ट है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत टेस्टी, थोड़ा खुशबू आ रही है। तो आप भी इसी तरह से बेसन गुड़ का हलवा बनाइए,
और इन्जॉय करिए। और चलिए यहाँ पे होती है मेरी वीडियो क्लास। शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआ में याद रखा करें बहन भाई, जो लोग भी देख रहे हैं अपने फैमिली में शेयर करिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू।